हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज हम बात करते हैं प्लूरेसी के बारे में, और ये बेसिकली आपको 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो प्लूरेसी तो आपका 10 मार्क्स का नहीं आएगा। उसके साथ आपसे आयुर्वेदा पक्का पूछा होगा, मे भी ज्वर पूछा होगा। तो ज्वर की ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मैंने उसके अंदर आपको ट्रिक्स के साथ सारी चिकित्सा भी याद कराई है, सब कुछ बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप केसी की प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लूरेसी, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। आपको ये ध्यान से सुनिए वीडियो, विदाउट स्किप याद कराना, मेरा काम है आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से, ठीक है। तो प्लूरेसी होता क्या है? प्लूरेसी ऑफ प्लूराइटिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्लूराइटिक चेस्ट पेन दैट वर्सन विद ब्रीथिंग। क्या होता है इसके अंदर? जो प्लूरेसी होता है इसको प्लूराइटिस भी बोलते हैं, प्लूराइटिस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है जो कि आपका वर्सन होता रहता है ब्रीथिंग के साथ, जैसे जैसे सांस लेते हो और ज्यादा ये दर्द बढ़ता रहता है। इसका क्या कारण है, ऐसा होता क्यों है? एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, पल्मरी इन्फेक्शन की वजह से, तो कोई ट्रॉमा की वजह से होता है, या फिर सीरोसाइटिस ड्यू टू कनेक्टिव टिश्यू डिसीज की वजह से आरए है, एसएलई है, प्लूरल मेलिग्नेंसी की वजह से, कोई एम्बोलिज्म की वजह से, या प्लूरल इफ्यूजन की वजह से किया होता है। इसमें प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है जो कि वर्सन होता है ब्रीथिंग के साथ में, तो वो किसी के भी कारण पेन हो सकता है। मे बी बैक्टीरियल, मे बी वायरल, मे बी ट्रॉमा की वजह से, एसएलई वजह की वजह से, एम्बोलिज्म की वजह से, फ्यूजन की वजह से। तो इसके जो टाइप हैं वो आते हैं, एक तो ड्राई प्लूरेसी, एक होता है प्लूरेसी विद इफ्यूजन, ओके। तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्लिनिकल फीचर क्या आएगा? प्लूराइटिक शार्प पेन, इसके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा शार्प पेन होता है वर्सनिंग विद ब्रीथिंग, ठीक है। प्लूरेसी को आपको अपने माइंड में ये रखना है कि छाती में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। आम भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे जैसे वो सांस लेते हैं उसका और दर्द बढ़ता रहता है, बढ़ता रहेगा, डिस्पनिया होगा, डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी होगी उसको सांस लेने में, ठीक है। इफ द इफ्यूजन कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ डायफ्राम, द पेन मे बी रेफर टू द शोल्डर और द एब्डोमन, अपर एब्डोमन। देखो अब आपको बताइए, एक होती है ये ड्राई प्लूरेसी, एक होती है आपके पास प्लूरेसी विद इफ्यूजन। इन्होंने कहा है अगर इफ्यूजन कॉज होता है, इफ द इफ्यूजन कॉजेज, तो क्या होगा? आपका जो डायफ्राम होता है ना उसमें भी स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण आपका जो पेन होता है, पहले तो वो क्या था? चेस्ट में ही था, अब वो कहाँ पे आएगा? आपके शोल्डर में और अपर एब्डोमन में आएगा, और भी इसके अंदर सिम्टम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें, ऑन द अफेक्टेड साइड मूवमेंट ऑफ थोरेक्स आर रिड्यूस। आपकी जहां पे अफेक्ट ये हुआ होगा, अफेक्टेड साइड पे आपको वहां के जो थोरेक्स की मूवमेंट है वो आपको रिड्यूस मिलेगी। चेस्ट वॉल मसल्स आर टेंडर एंड प्लूरल फ्रिक्शन रब में भी हियर्ड, प्लूरल फ्रिक्शन आपको वहां पे सुनेंगे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे आपको कराना है, सीटी कराना है, एमआरआई कराना है, ब्लड टेस्ट आपको कराना है वहां पे। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स आपको देने हैं, फिर फीवर भी होगा ऑब्वियसली, एंटीपायरेटिक देना है, ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं, अगर कोई अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है या कुछ भी है तो आपको डायलेट करना है, ब्रोंकोडायलेटर देने हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। एंटी इन्फ्लामेटरी आपको देना है, कोई इन्फ्लामेशन हो अगर वहां पे उसकी वजह से, और थोरेसोसेंटोसिस टू रिमूव द फ्लूड। थोरेसोसेंटोसिस में क्या होता है? बेसिकली इसमें फ्लूड को रिमूव करते हैं, एयर को, ब्लड को रिमूव करते हैं अगर आपके कोई प्लूरल स्पेस में है, ठीक है। और अंडरलाइन कोज जो भी आपका है उसको ट्रीट करना है, मे बी इट्स वायरल, बैक्टीरिया, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, अगर इनकी वजह से पेन हो रहा है तो पहले आपको इनको ठीक करना है, ठीक है। तो प्लूरेसी होता क्या है? प्लूराइटिस इसको बोलते हैं, बेसिकली इट्स अ प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है जो कि वर्सन होता है ब्रीथिंग के साथ। इसका क्या कॉजेज होता है? मे बी वायरल, मे बी द बैक्टीरिया, एंड मे बी सम ट्रॉमा ड्यू टू एसएलई और प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल एम्बोलिज्म, मे बी पल्म, मे बी निमोनिया, दैट्स ऑल कॉज प्लूरेसी, एंड इट्स बेसिकली द टू टाइप, ड्राई एंड द प्लूरेसी विद इफ्यूजन। सो क्लिनिकल फीचर्स आर प्लूराइटिक शार्प पेन वर्सन विद ब्रीथिंग, इफ इफ्यूजन then it causes the inflammation of diaphragm and it's referred to the pain in the shoulder as well as in upper abdomen, okay. After that some symptomatic treatments has also come and underlying causes
डिसीजेस के भी आपको सिम्टम्स यहाँ पे मिलेंगे। फिर बात करते हैं डायग्नोसिस की। इन डायग्नोसिस ऑन द अफेक्टेड साइड मूवमेंट ऑफ थोरैक्स क्या होगी, रिड्यूस होगी और वहां पे आपको प्लूराइटिक जो फ्रिक्शन होगी वहां पे सुनाई देगी। चेस्ट एक्सरे के बाद सीटी कराना है, एमआरआई कराना है, थोरैसोसेंटोसिस कराना है और ब्लड टेस्ट कराना है। तो इसमें सबसे पहले पेन है, तो सबसे पहले पेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनाल्जेसिक्स देने हैं, एंटीपायरेटिक देने हैं, एंटी इंफ्लामेटरी देना है, ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं और ब्रोंकोडायलेटर के बाद थोरैकोसेंटोसिस कराना है, जिसके अंदर आपका थोरैको सेंटेसिस जिसमें आपको रिमूव कराना है फ्लूड का, एयर का, और जो भी उसके अंदर कुछ भी प्लूरल स्पेस में फंस रहा है उसको निकालना है, ठीक है। और जिस चीज की वजह से ये पेन हो रहा है, लाइक मे बी इट्स अ वायरल, मे बी इट्स अ बैक्टीरियल एंड मे बी निमोनिया, सो आपको इनको ट्रीट करना है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।